रायबरेली में शिवगढ़ नगर पंचायत से समाजवादी पार्टी की महिला प्रत्याशी गीता रावत पत्नी पप्पू रावत ने अपने समर्थकों संग डोर टू डोर तेजी से साथ जनसंपर्क कर रही हैं। इन्हें जनता का आशीर्वाद भी प्राप्त हो रहा है। जनता के बीच में जाकर गीता रावत सभी लोगों का आशीर्वाद लेकर माताओं बहनों व बुजुर्गों को अपना चुनाव चिन्ह बताकर अपने लिए वोट मांग रही हैं और जनता को विश्वास दिला रही हैं कि मैं शिवगढ़ नगर पंचायत में आने वाले 5 सालों में अपने कार्यों से विकास की गंगा बहाने का कार्य करूंगी एवं सदैव दुख और सुख में अपने क्षेत्र की जनता के साथ रहूंगी। देखिए हमारे संवाददाता अजय वर्मा की रिपोर्ट। आपका क्या परिचय है? मेरा नाम मुनेश्वर रावत है। मैं मुलायम सिंह टिकट का विधानसभा अध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी से। क्या उद्देश्य है चुनाव लड़ने का गीता रावत? हम लोगों का यही उद्देश्य है कि श्रीमती गीता रावत जी लोगों का जो है उद्धार किया है, निस्वार्थ सेवा की है। 5 साल पूर्व प्रधान रह चुकी हैं। इनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है और यहाँ पर देखिए कितनी माताएं बहनें हमारे साथ हैं। समाजवादी पार्टी में बहुत उत्साह है, सैकड़ों कार्यकर्ता सब चारों तरफ क्षेत्र फैले हुए हैं। यहाँ पर कोई किराया नहीं आता है, सभी लोग निस्वार्थ आते हैं और सब लोगों ने यह संकल्प लिया है कि नगर पंचायत शिवगढ़ से श्रीमती गीता